ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं ये तस्मै श्रीगुरवे श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावार्थितं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो। धीरे से आंखें खोल सकते हो, साथ साथ वीडियो भी ऑन कर सकते हो। कैसे हो? काफी लोगों लोग ज्वाइन हुए हैं, अच्छा है। तो जानते हैं हम सभी की आयुर्वेदा क्या है। हाँ, शुरुआत होती है कि आयुर्वेदा से कुछ जानते हैं कि भारती जी ने अभी लिया सेशन। हाँ, एनीमिया की तकलीफ, हाँ, खून की कमी हो तो क्या क्या करें। तो ये खून की कमी बहुत तरीके तरीके की वजह से भी होती है। ऐसा ही नहीं है सिर्फ कि खान पान को ही पकड़ो, स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, बहुत वजह है शरीर में बहुत कुछ होने के लिए। उथल पुथल है जो होती रहती है ना, वो सब ये क्यों क्यों होना क्यों नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे जब हमारे शरीर का रिसर्च करेंगे तब जाके कुछ समझेगा। कभी कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे भी रहेगा, कभी कुछ रहेगा, कभी कुछ। हम जो ये शरीर के तौर पे है ना, हम सिर्फ ये एक
क्या बोलते हैं कि कैसे जन्म हुआ और कहाँ जाएंगे वो पता नहीं, इस बीच का जीवन है। और क्या जी रहे हैं, तो बस दिन आ रहा है, खा पी रहे हैं, जी रहे, घर का काम कर रहे हैं, दूसरा दिन नेक्स्ट। एक बोलते हैं ना कि क्या होना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य बोलो, या हम क्यों आए हैं जीवन में, वो किसी को भी नहीं पता। पर कोई कोई लोगों को एम रहता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो करना है क्योंकि उनके इसमें वो जुनून है, तब वो चाहते हैं कि मुझे कुछ करना है। कोई अभी हमारे जैसे इंट्रो सेशन बोलो या कोर्सेस बोलो, हम ऐसा जिद पे सेवा में है कि हमको है कि नहीं, हमारे गुरु का जो भी हमें मिला है ना ज्ञान, वो लोगों तक ऐसे भर भर के बांटे, हाँ हर लोगों तक जाए ये बात। क्यों ऐसे हो रहा है वो हमारे कल्पना के परे है, हम सोच भी नहीं पा रहे कि हमसे क्या क्या हो रहा है। बस हम रोज सुबह उठते हैं, मैसेज क्या बनाएंगे, क्या करना है, कैसे है, क्या क्या आज कौन कौन लेंगे टॉपिक, ये सब हमारी सुबह की शुरुआत रहती है उठने से ही। फिर भी फिर मैसेज बनेंगे, फिर आपसे शेयर होगा, फिर आपके साथ दिन में बातें होगी, उस बीच में हमारा घर का काम होता है। अरे मेरे तो इतने ऑर्डर्स चल रहे हैं, मैं उसमें भी बिजी हूँ, तो मैं फिर थोड़ी थोड़ी हटती जाती हूँ, फिर इन लोग लेते हैं, पर फिर भी ऐसे नहीं होता है, बोले नहीं तुझे भी कुछ लेना है तो ऐसे है, पर क्या है, ये फिर एक शक्ति चलाती है। बहुत कभी कभी थकान भी होती है, पर फिर वो मीठी नींद भी सुलाते हैं। दुनिया में लोगों को नींद की कमी भी है, दोपहर को नींद पे भी बात हुई, हाँ जो जो थे ना उनको पता है नींद के ऊपर क्या क्या चर्चा हुई। बोलते हैं, किसी ने पूछा नींद दोपहर को करनी है तो कौन से कितना समय नींद करनी है, मैंने तो खुल्ला बोल दिया सोना ही नहीं है, बात ही खत्म बेचारे परेशान हो गए कि सोने की दीदी ने मना कर दिया। फिर क्यों नहीं सोना है भाई, रात को फिर जागरण करोगे और सुबह फिर खराब। पर इसके ऊपर भी पूरा साइंटिफिकली है, क्यों नहीं सोना है, कितना रेस्ट लेना है, सब कुछ हम बता ही रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हम नहीं बता। तो ये सब कोर्स में आता है, जिन्होंने सीखा है ना उनको पता है कितना क्या, और फिर सो सो के सुस्त होके फिर जीवन में हमारा क्या लक्ष्य रहेगा, हम नहीं सोते हुए ही ये सब कर पा रहे हैं, सोते तो हो गया हमारा, ऐसा है। इसीलिए हम भी ऐसे नहीं है, रेस्ट हमारा भी होता है, ऐसे नहीं है, पर सोना मजा नहीं आता है। सोने सोने का कोई बोले तो मुझे तो नहीं होता है, मैं बचपन से मेरे स्वभाव में है कि मुझे सोना पसंद नहीं, रात में ही मतलब जो उनके समय पे सोना रहता है वैसे बहुत अच्छा है, क्योंकि नहीं तो मैं भी कफा प्रकृति पित्ता प्रकृति ऐसे मिक्स है, जो कफा वाले रहते हैं वो सोने में ही माहिर रहते, नहीं तो कुंभकर्ण जैसा। हाँ पर ऐसा भगवान की कृपा है कि गुरुजी ने सेवा का जो चटका दे दिया है ना, वो चटका निकल ही नहीं रहा है, और हमें वही प्रार्थना करती हूँ कि ये चटका कभी ना निकले। तो ऐसा है सब, हाँ इसीलिए ये जो ज्ञान है ना बांट पाते हैं, नहीं तो फिर पूरा ऐसे चला जाता है ना सुस्ती सुस्ती, करते हैं ना करेंगे ऐसे होता है। तो जो स्फूर्ति मिलनी चाहिए कैसे है, फिर खान पान का बदलाव, कैसे पका रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या भाव से बन रहा है, लोगों को पसंद आया कि नहीं हमारा खाना, जब जिस दिन लोगों ने बोला वाह आज मजा आ गया, उस दिन समझ लेना कि आपके कोई अच्छे भाव से आपका खाना बना, ये याद रखना। ये इन जनरल बातें हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जब अच्छा खाना कब बनता है, हमारी साधना हुई या हमारे हमने प्रेम से बनाया या कुछ, हाँ जब ही चिड़चिड़ाहट मन अच्छा नहीं है या कुछ टेंशन है या ठीक नहीं है, तो हमें
सब गड़बड़े आती है, फिर हमारा ठीक से बनता नहीं है। और बनता तो है, पर फिर वो सामने वाले में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सब भी क्यों, कैसे बनाना, किस तरीका है, ये सब ये होलिस्टिक कुकिंग में हम बताते हैं। किस तरीके से हमें बर्तन यूज करने हैं, हाँ, फिर अल्कलाइन वाटर कैसे बनेगा कि हेडेक चला जाए, सिर दर्द है, जो पेट दुख रहा है, कुछ गड़बड़ है, अनइजी लग रहा है, फ्रेशनेस नहीं लग रही है, तो ये सब है। फिर मसाले देखेंगे, जब ये सब मन अच्छा है तो मसाले भी मस्त तरीके से हम डालते हैं। हाँ, फिर टेस्ट, हम टेस्ट भी भाव से देते हैं, प्यार से देते हैं। तो ये सब पूरा नॉलेज ये कोर्स में हम बताते हैं। भोग भी लगाना रहता है भगवान को, उसके ऊपर भी मंत्रास है, मंत्रा क्या क्या बोलना, ये सब भी हम कोर्स में सीखेंगे। क्या कौन से समय पे क्या क्या खाए, ड्राई फ्रूट्स का क्या है, ड्राई नट्स क्या है, फिर फ्रूट्स क्या है, वेजिटेबल क्या है, सलाद कौन से समय पे, कौन सी सीजन के, कैसे कैसे समय पे खाए, कौन सी प्रकृति किस किस तरीके से खाए, ताकि अपना शरीर स्फूर्तिला बनाए रखे। तो ये सब आयुर्वेदा का, संतों की वाणी का ज्ञान जो है वो ये कोर्स में है। तो ये सब हम कैसे चंद 3 दिनों में हम अपना सकते हैं, तो ये हम ये कोर्स में सीखेंगे। विरुद्ध आहार से कैसे बचे, ताकि बहुत सारी बीमारियों से बचे। उसमें बता देते हैं कि बहुत सारे विरुद्ध आहार लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां भी पनपती है, तो इससे बचने के लिए भी क्या क्या बचाव करें। अरे भाई, वो टेस्टी भी बनाना है ना, विरुद्ध आहार नहीं डालेंगे तो टेस्टी कैसे बनेगा। होटल ग्रेवी सब्जी में मावा भी है, दही भी है, दूध भी है, मलाई भी है, तभी तो दीदी टेस्टी बनेगा, ऐसे मुझे सवाल आते हैं। पर उसकी जगह पे भी और सही टेस्टी जो लायक है, जो शरीर को भी लायक हो, तो वैसा बने तो क्या खोट है। हाँ, हमारे लिए बन ही रहा है, और वैसे भी बने। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलते कि ड्राई फ्रूट ना खाओ, पर तरीका है, मेथड है, पकाने की विधि है। कलर प्रिजर्वेटिव से बचोगे। कल ही जो लोग कल आए थे उनको मैंने बोला था, अजीनोमोटो पे मैंने पूरे पूरी स्टोरी के साथ चर्चा की थी। किसी ने नहीं सुना है कल का तो सोनिया दीदी से रिकॉर्डिंग मांगना, वो देंगे। तो पूरा हम निचोड़े पूरा इसका क्या बोलते हैं, अजीनोमोटो का, कि क्या कहाँ से पनपा और क्या हम अजीनोमोटो किस किस चीजों में खा रहे हैं। कल तो मैंने और कुछ थोड़ा बहुत बोला था, पर और भी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे लेयर्स, मतलब जो फ्राई पफ वगैरह अलग अलग वेरिएशन में सब मिलते हैं ना, उसमें भी पड़ते हैं अजीनोमोटो। बहुत सारे फ्लेवर बन रहे, चीज बॉल, ये वो, हर जगह पे इसकी मिलावट है। लोग कहाँ से टेस्टी बनाएंगे, तो ये राज है अजीनोमोटो का। उसकी स्टोरी भी बोली थी, हाँ, एक डॉक्टर ने ये एक होटल वाले को देके किया। हाँ, आप सोनिया दीदी से कांटेक्ट में रहना, वो दे देंगे। प्रसाद भी चढ़ाना बहुत अच्छा है भगवान को, उसके ऊपर मैं थोड़ा स्टोरी जैसा है एक मेरे पास, हालांकि मैंने पहले बोला है पर शायद बहुत जन को नहीं भी पता होगा, मैं बोलूंगी आज। तो ये कोर्स में ये भी आप जानोगे, बाकी जो रह गया वो सोनिया दीदी को मैं बोलूंगी आप कवर करो। तो मैं बोलूंगी कि भोग क्यों किस लिए लगता है, भगवान को जब भोग लगता है तो क्यों लगता है। एक बार एक आदमी ने टीवी खोला, टीवी को ऑन किया, और एक जगत गुरु शंकराचार्य काची काम कोटी जी, तो उससे प्रश्नोत्तरी चल रही थी। तो प्रश्नोत्तरी चल रहा था और उसमें एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें भगवान क्या खाते हैं, ऐसे उनका सवाल था, क्या खाते हैं और क्या पीते हैं।
अभी इसमें ऐसे उन्होंने मतलब था कि क्या चढ़ाए हुए पदार्थ का कोई रंग रूप चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, मात्रा कम हो जाती है, क्या परिवर्तन आता है, ऐसे मन में था तो ऐसे बोला। और ऐसे भी था कि क्या यदि नहीं तो हम क्यों ये कर्म करते हैं, ये क्या पाखंड है क्या, उन्होंने ऐसा सवाल करा। तो ये पाखंड है तो हम ये भोग लगाने से पाखंड क्यों क्यों करें फिर, अगर ये ऐसा है शो शाइनिंग और मतलब ऐसे सही नहीं है तो ये क्यों करना है फिर, ऐसे उनका सवाल था। तो उन्होंने कुछ भी गुस्सा ना करते हुए आंसर बहुत सुंदर सा दिया। तो ऐसे था कि अब वो क्या आंसर देंगे, वो उन्होंने पूरा ऐसे घेर ली बात। हाँ देखो अब ये उत्तर क्या देते हैं। शंकराचार्य जी बिल्कुल भी विचलित भी नहीं हुए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने शुरुआत की उत्तर देने, उन्होंने ये कहा, ये समझना है बात कि हम भोग क्यों लगाते हैं, उसमें भगवान क्या ग्रहण करते हैं, उन्होंने भी ऐसे बोला। मान लीजिए आपने लड्डू खरीदे हैं और भगवान को चढ़ाने के लिए मंदिर जा रहे हो, पहचान के लोग रास्ते में मिले हमें और मिलने के बाद बोला कि ये क्या है, तो उन्होंने क्या बोला, ये लड्डू है। हाँ तो वो आदमी ने क्या बोला, ये तो लड्डू है। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर वो गए मंदिर में चढ़ाया, तो श्रद्धा से उन्होंने फिर प्रार्थना अर्चना की, फूल प्रसाद चढ़ाए, फिर अच्छे से दर्शन वर्शन किया और फिर आए घर पे। फिर क्या है, घर पे आते आते रास्ते में और दूसरे फ्रेंड मिले, पहले वाले नहीं मिले दूसरे मिले। तो उन्होंने बोला ये क्या है, हाथ में बॉक्स तो था ही, तो बोले अरे दोस्त ये क्या है, उन्होंने बोला ये हनुमान जी का प्रसाद। अब कैसे प्रसाद हो गया, जैसे जाने के समय बोला ये लड्डू है, पर समझने की बात यही है, जब जा रहे थे तब क्या बोला लड्डू था, बाद में बोला प्रसाद, तो कहाँ रंग रूप में फर्क पड़ा, कहाँ कलर में फर्क पड़ा, कहाँ शेप में फर्क पड़ा, कहाँ क्वांटिटी में फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। प्रभु को कुछ भी ग्रहण करने की आवश्यकता तो है ही नहीं, पर नाम बदल गया, देखा क्या नाम बदल गया, ये है प्रसाद। तो जो समर्पित करते हैं ना जब, तब अहंकार निकल जाता है, और जो ये मेरा मेरा था ना, मेरा मेरा मेरे लड्डू है, ये मेरे लड्डू थे, ये मेरे लड्डू ऐसे, तो जो मेरा मेरा ये प्रसाद हो, प्रसाद होता है फिर बांटने का भी मन होता है, तो ये जो मेरा मेरा मैं रहता है ना, वो उसका बदलाव हो जाता है, वो फिर प्रसाद में परिवर्तित होता है। अब ये प्रसाद बनते बनते मन को भी स्वच्छता हो जाती है मन की, क्योंकि पॉजिटिविटी वातावरण में हम लोग गए। हाँ और फिर वो स्वच्छ मन हो जाता है, निर्मल, क्योंकि सिर झुकता है, जहां सिर झुका ना वहां पे ही हमारे बोलते हैं ना कि अहंकार का जो भाव है ना वो उतरता ही है, उतर और निकलता है, निकल जाता है। तो ये सब फिर निर्मल मन, निर्मल चित्त मन, तो भगवान के पास जो दर्शन के बाद जो बनता है वो प्रसाद, अहंकार प्योर माइंड से वो फिर प्रसाद हम ग्रहण भी करते हैं, तो वो हमें फ्रेशनेस देता है, खुशी देता है, हमारे में परिवर्तन करता है। तभी तो कोई भी खाना या कोई भी अच्छी चीज आई, कोई भी अच्छा फल लाया, तो हम भगवान को चढ़ाते ही है। आज मैं सिखाऊंगी ना नान खटाई का जो बात करूंगी, शायद कभी आप कोई बनाओ तो भगवान को जरूर चढ़ाना फिर वो और टेस्टी लगेगी।
भगवान को, भगवान क्या करता है, अंधकार से उजाले में ही लाने का काम करते हैं। उन्होंने वही बोला कि हाँ, तभी तो हम क्या करते हैं, गुरु के साथ जुड़ना, उनके सानिध्य में रहना। जब गुरु के सानिध्य में कोई आश्रम गया होगा, उनको पता रहेगा, एनर्जी ऐसी रहती है कि मानो एक एक जन हिल जाते हैं। मेरे नजदीक जब जब गुरुजी आए हैं, आज तक मैं बहुत सालों से जाती हूँ आश्रम, जब जब गुरुजी आए हैं, मेरे सिर पे 1-1.5 घंटा 2 घंटा वाइब्रेशन रहता ही है। जिस दिन वो मैं घूमती रहूंगी तब नहीं इतना, पर जिस दिन मुझे दर्शन के लाइन में मिला और मेरे सिर पे फूल या मोरपंख या कुछ भी मेरे सिर पे फूल छिड़के भी, तो मेरा हो गया अलग। मतलब मेरी मेरे आपे में नहीं रहता है, मेरे सिर पे कुछ ना कुछ होता है पूरा, ऐसे कि वो कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। उनकी शक्ति हम महसूस तो कर सकते हैं, पर उनकी शक्ति को इतना माप नहीं सकते हैं। अपार शक्ति पड़ी है उन, तभी तो वो हम सबसे ऐसे थोड़े दूर रहते हैं। ऐसे ही नहीं है कि वो हमको, हम बार बार छुए या उनका पैर पकड़ लेते, हाथ पकड़ लेते, ऐसा नहीं रहते। उनमें इतनी शक्ति है कि हमारी शरीर में उतनी ताकत नहीं है उनको छूने तक की। आज तक मैंने पैर 2-3 बार छुए हैं, बाकी ऐसे हाथ पकड़ना या मतलब ऐसे गले मिलने की मेरी ताकत ही नहीं है अभी तक। मैं हमेशा सोच के जाती हूँ इस बार तो गुरुजी को गले मिलूंगी, मेरे में ताकत ही नहीं रहती है। उस समय जब सामने आते हैं ना, अभी तो मैं बात कर पाती हूँ, पहले तो बात भी नहीं कर पाती। तो वो होता है, पर वो एक मतलब हम बोलते हैं ना, अपार शक्ति है उनमें, हम माप नहीं सकेंगे उनको, क्योंकि वो अवतार होके आए हैं ना। तो वो शक्ति के पास जब कुछ मिलता है ना, बहुत कुछ काट देते हैं। उनके पास भी क्यों जाना है हर साल, मैंने सोनिया दीदी ने ऐसे ठान के रखा। हम ये लॉकडाउन की वजह से अटक रहे थे, पर फिर भी हम जाके आए शिवरात्रि। ये जबरदस्त 2 बार मस्त दर्शन हुए, ऐसे लग रहा था कि दर्शन देंगे नहीं देंगे, पर उल्टा सामने से बुला के दिए। हम लोग भी ऐसे वाव हो गया कि उन्होंने सामने से बुलाया, पर उनको भी पता है कि ये मेरे लिए ही आए हैं। तो वो अगर नहीं मिले तो हमारे मन में तो चलेगा ना कुछ ना, पर वो कभी ही नाराज नहीं करते। तो इसीलिए गुरु से जुड़ना, गुरु से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो साल भर का कचरा है ना, हम उतार के आते हैं। जैसे ऐसा लगता है आश्रम से आने के बाद, तो ऐसा लगता है कि हम जमीन पे है ही नहीं। मेरा मेरे को तो ऐसे ही लगता है, कितने दिन तक तो ऐसा लगता है आश्रम जाके आया, आश्रम जाके। पर वो मतलब बोलते हैं ना, अनगिनत एनर्जी रहती है, वो हम माप नहीं सकते उसको। तभी ही इसीलिए ये वो संत ने इतना सुंदर सिंपल सा जवाब दिया कि ऐसे है तो जो अहंकार मिटना, ये वो प्रसाद रूप में हो जाता है हमारा। हमारे पास अहंकार की कमी ही नहीं है, आते ही रहता है, आते ही रहता है। मालूम है आपको, कोई ना कोई बातों में, छोटी छोटी बातों में भी आते रहता है। इसको स्वीकार करके सरेंडर करना ही हमारे जीवन का आगे का रास्ता है। नहीं तो वो पकड़ पकड़ के ऐसा वो भंडार दिमाग में भरेगा, तो हम निकल ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, सेवा में नहीं हो पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, अटके रहेंगे भर जब। ये ना अटकते हुए सेवा में अगर आगे बढ़ते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता मिलता जाता है। ये गुरु मिलने भी भाग्य है, कोई भी गुरु। मैं नहीं बोलती श्री रविशंकर को ही पकड़ो, इनको ही माना, मान लो गुरु, यहाँ पे आपको बड़ा मंत्र मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब मैंने दिल से ही मांगा, मैं कभी ऐसे ऐसे दीक्षा दो या ये दो, ऐसे अपने गुरु में है ही नहीं। मान लिया, वो भी मान लेते हैं, वो अपना लेते हैं, एक कोर्स में अपना लेते, कुकिंग कोर्स भी कर लिया गुरु, अब खुद को अपने साथ जोड़ लेता है। ऐसा है गुरु का सानिध्य, गुरु की वाणी, गुरु का प्यार अनमोल है। जहां पे भी
जहां पे भी उनकी बातें होती है ना, एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसे हमने तो बहुत अनुभव किया है और भी कर ही रहे हैं। जब जिस दिन गुरु की बातें नहीं होती है, अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे लगता है ये क्या ऐसा है। तो जरूर से सेवा में रहना सब लोग, और मैं रेसिपी लेती हूँ, फिर सोनिया दीदी भी आ जाएंगे, आए भी होंगे ही। तो नान खटाई के ऊपर बोलते हैं, आज मैंने बताया भोग किस लिए लगाया जाता है, कल कुछ और बात करूंगी आपसे। कल मैंने ये पहले बताया है पर फिर भी बोलूंगी। ऐसे है कुछ कुछ बातें कि मैं खुश हूं कि नहीं, मैंने बोला है ये, पर हम भूल भी जाते ना, इवन मैं खुद भूल गई हूँ, पर मैंने ये बातें लिखी है और मैंने वो बुक निकाली तो मुझे दिखाई दिया, तो ये मैं खुद वापस पढ़ूंगी और फिर आपके साथ वापस कल शेयर करूंगी। तो मजेदार है हाँ। कल कल अगर मेरा मेरा मतलब मुझे समय मिला और मैंने आप लोगों से ये जूम कॉल पे मैं मीटिंग में आई आपके साथ बातें करने, तो मैं आपको कल हर्ब्स की रोटियां कैसे बनती है, डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स पे हम रोटी कैसे बनाएं, रोटी के प्रकार, हर्ब्स हर्ब्स रोटी, उसके ऊपर मैं आपको चर्चा करूंगी। ये आज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को मैं अभी से बोलती हूँ, जब मैसेज आएगा प्लीज सभी जगह ये मैसेज स्प्रेड करो, जहां जहां लोगों को पहुंच सकता है सेवा में ये काम करो। एटलीस्ट यहाँ से ये मैसेज का जो फवारा है हर जगह बांटो। पता नहीं आपके एक मैसेज से किसकी जीवन में क्या परिवर्तन आ जाए। एक रोटी की बात के लिए नहीं, हाँ वो जब इंट्रो सेशन या कुछ अच्छी बातें सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं वाकई में मुझे कोर्स सीखना चाहिए। तो कोर्स में इतना सारा नॉलेज के साथ सीखना, एक आज फोन आया था, शायद वो अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं है कि वो ज्वाइन हुए कि नहीं, पर वो कोर्स उन्होंने फोन पे ही इंट्रो सेशन सुन लिया, जैसे हो गया आज बात, वो बोले मैं रजिस्टर कर रही हूँ बॉम्बे पहुंच के। मैं अचरज थी, पर ये क्या होता है ना, जब हम सेवा में रहते हैं ना, फिर सामने से लोग हमसे फोन कॉल करके वगैरह बात करते हैं, ये एक जादू जैसा है। हाँ जब भी ऐसे कोर्स का रहता है ना, तब हमें लगता है, हम पहले हम गिनती में करते थे कोई सेवा, अरे इतने 15 पार्टिसिपेंट हुए, कल फिर 16 हुए, ऐसे गिनते थे, अब हम गिनते नहीं, हमको पता है हमारा कोर्स बेस्ट होगा, बस इतना ही हम लोग गिनते हैं। तो ये हम करते हैं आजकल, तो ऐसे फिर सामने से हमें कोई भी फल, फल कैसे मिलता है आपको भी पता होगा, बहुत सारी जगह से फल मिलना, मतलब कोई भी रूप से फल मिलता है, एक ही रूप कोई फल का नहीं रहता है, कभी भी फल का अगर रूप रहा तो बहुत अलग अलग तरीके से फल मिलते हैं। तो ये एक भी है कि डायरेक्ट ही वो ये करेंगे, फिर भी मैंने उनको बोल भी दिया आप स्प्रेड करना मैसेज, उनको मैंने सब डाल भी दिया ये वो, और आप रोज इंट्रो सेशन में आना, रोज नया नया कुछ आपको हमारे से सीखने मिलेगा। तो ऐसा है, तो करते रहते हैं, फिर किसके जीवन में क्या बदलाव आएगा ऐसा भी सोचते हैं हम, तो देखते हैं नान खटाई के लिए, फिर समय भी कम है। तो नान खटाई देखो, यूजुअली मैं तो मैदे की ही बनती है, ये जो आज आपने इंट्रो सेशन में जब भी मैसेज पढ़ा होगा वो मैंने खुद ने ही बनाई है वो नान खटाई, इसका रंग देखो रूप देखो, तो दो तरीके से ही बनती है, मैदा या फिर आटा। मुझे कुछ ऑर्डर्स थे तो ये मैदे की ही, तो ये मैदे की ही बात करती हूँ अभी। जिन जिनके भी पास बीटर हो, बीटिंग करने का मशीन, बीटर, केक की क्रीम बीट होती है उससे, या केक का मटेरियल उसमें बीट होता है, मिक्सिंग होता है, पर वो इलेक्ट्रिक का रहता है,
तो मैं उसी से ही करती हूँ क्योंकि उससे ज्यादा अच्छी और सॉफ्ट बनती है। तो हमारे पास पीठी शक्कर होनी चाहिए। पीठी शक्कर मींस क्या? पीसी हुई शक्कर। बाहर से भी मिल जाती है, नहीं तो आप घर में भी पीस सकते हो। उसको बोलते हैं पीठी शक्कर, मतलब पीठ जैसा शक्कर, पीठी शक्कर बोलते हैं। महाराष्ट्र में पीठी शक्कर बोलते हैं, बाकी पीसी हुई चीनी, ऐसे ही आप समझ के चलिए। हाँ, मैदा वही है केक में, और ये मैदा मीन्स व्हाइट फ्लोर ही। तो व्हाइट फ्लोर और इलायची पाउडर लगेगा आपको, काजू के टुकड़े लगेंगे जो ऊपर गार्निशिंग के लिए लगते हैं वो, और शुद्ध घी लगेगा। मैं कभी भी डालडा नहीं यूज करती है। बाहर तो आपको मार्जरीन मिल सकता है बाहर की नान खटाइयों में, फिर बाहर में डालडा, वनस्पति ऑयल या फिर पाम ऑयल, बहुत तरीके से बाहर की नान खटाई बनती है। मार्जरीन की मिलती होगी तो बहुत खतरनाक है, ये समझ के चलना। हमको पता नहीं रहता है, वो लोग थोड़ी ना बोलने वाले हैं, पर नहीं खाओ तो ज्यादा अच्छा, बच के रहो, क्योंकि मार्जरीन कोई ये रहता है, क्या बोलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स के ऑयल, ऑयल बेस रहता है वो, उसी से बनाते हैं, उनकी चर्बी से ऑयल निकला हुआ रहता है, वो चीज रहती है, और हमें नहीं पता कौन से एनिमल का क्या, और वो सब डेंजरस है। घी तो बेस्ट है, बटर भी नहीं, मैं बटर भी सजेस्ट नहीं करती हूँ, घी ही। मैंने नहीं, तो शुद्ध घी लेना है। हाँ, और शक्कर, अब और शक्कर को आपको ना मीठा कितना करना है आप पे है। यूजुअली एक वाटी में आटा है तो पौना शक्कर होना चाहिए, एग्जैक्ट माप अगर सोचने जाए। पर आप कम खाते हो तो कम, ज्यादा खाते हो तो ज्यादा, आपकी अपनी चॉइस। अब इसमें इलायची पाउडर, एक वाटी का है तो इलायची पाउडर भी 4-5 दाने की कुटी हुई चाहिए, वो दाने नहीं दिखने चाहिए, अच्छे से एकदम फाइन भुक्का रखना है। और घी और शक्कर, पीठी शक्कर जो है, पीसी हुई शक्कर को ये ब्लेंडर से घुमाना है, मिक्स करना है। आपको शुद्ध घी भी लगभग पौनी वाटी के ऊपर ही लग जाएगा, उससे पौनी वाटी तो लगने ही वाला है, उससे भी ऊपर 2-4 चम्मच लग सकता है। मैदे मैदे पे फर्क रहता है, कभी कोई आटा ज्यादा पीता है, कभी कोई आटा कम पीता है, तो मार्केट में कैसा आटा आया है वो हमें नहीं पता होता है, तो कंसिस्टेंसी आपको समझ लेनी पड़ेगी। फिर ये जब ये बीट के ना पूरा वाइट हो जाएगा, फ्लफी भी हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, फिर उसमें मैदा डालना है। नहीं, मेल्टेड घी, मेल्टेड नहीं, नॉर्मल घी ही लो, वो फेटते फेटते ना लिक्विड सा थोड़ा हो ही जाएगा। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हाथ से भी करो, पर आपको हाथ से फिर 20-1 मिनट करना पड़ेगा, 15-20 मिनट ऐसे फेटते रहना पड़ेगा कि वो मतलब हल्का भी हो जाए और वो फ्लफी हो जाए थोड़ा ऐसे। और बीटर से करोगे तो 7-8 मिनट में ही हो जाएगा, तुरंत हो जाता है। फिर उसमें इलायची पाउडर और ये मैदा ऐड कर दो। आपको बहुत ऐसे दानेदार नान खटाई पसंद होगी ना, तो 1 चम्मच जितना रवा ऐड कर सकते, सिंपल सा रवा, उसको सेकना नहीं है, कुछ भी नहीं। अब इसका एक डो बना लो, मतलब आटे जैसा बना लो, ये घी से ही बाइंडिंग हो जाए। अब मेरे पास तो ओटीजी है, पर आपके पास ओटीजी नहीं है तो उसकी चिंता नहीं करो। आप ना ये कर सकते हो, कढ़ाई ले लो या बड़ा पतेला ले लो, उसमें नीचे मट्टी भी डाल सकते हो। अगर मट्टी नहीं तो सिर्फ और सिर्फ रिंग रखो, कोई भी एक कुकर की रिंग रहती है वैसी रिंग रखो,
और फ्लैट वाला ढक्कन ले लो, ढक्कन ले लो चाहे फ्लैट पतली वाली डिश ले लो, उसके ऊपर बटर पेपर रख दो। बटर पेपर रखने के बाद आप इसके गोले बना के उसके ऊपर एक एक काजू रखो और आप 20-1 मिनट बेक कर। अभी आंच को स्लो ही रखना है, नहीं तो जल जाएगी और कच्ची भी रहेगी वो अलग से। तो गैस को स्लो ही रखना है, फिर चेक करना है कच्चा लग रहा है क्या। आप चाकू डाल के भी थोड़ा देख सकते हो, कलर से भी आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने कलर दिखाया है नान खटाई। थोड़ा इस तरीके का करोगे तो अच्छे से क्रंची हो जाए। इसमें बटर जब भी पड़ता है तो पानी का पार्ट भी जाता है, जब पानी का पार्ट गया तो पकने में फर्क पड़ जाता है, तो क्रंचीनेस में पकने में, इसीलिए मैं बटर नहीं बोलती। कहीं कहीं कोई चीजों में बटर में पानी का पार्ट तो रहता ही है, बटर इसीलिए है कि उसमें पानी का पार्ट है ही, घर का हो चाहे कोई भी। तो ये शुद्ध घी की इस तरीके, इलायची पाउडर आपने डाला। हाँ, इसमें ना भूल गई, 1 चम्मच, 1 वाटी जितना है ना तो आधा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर पड़ेगा और 1 चुटकी जितना सोडा भी पड़ेगा। इसीलिए ये कितना खाना वो सोनिया दीदी बताएंगे, तो हम उनसे भी सुनेंगे कि नान खटाई कितनी खानी चाहिए। तो ये सेक के हो गई और खाने में यूज कर सकते हो। अब कभी कभार साल में 2 बार बना के खाई तो बात अलग है, पर अगर बहुत बन रही है तो फिर सोचना है। तो आप गेहूं के आटे से पूरे पूरी बना सकते हो, नाचिनी के आटे से बना सकते हो, इसको शिफ्ट कर सकते हो आप, वेरिएशन। आटा मैदे की जगह पे आप ज्वारी का भी ले सकते हो, आप कर सकते हो ये। आप शेप कुछ भी, ओवल शेप दो, गोल शेप दो, आपके पास दूसरे कोई हार्ट शेप है, स्क्वायर शेप है, आप रेक्टेंगल जो भी शेप पसंद हो आप दे सकते हो। स्टार शेप है, हार्ट शेप है, बटरफ्लाई शेप है, आप पे है, वो तो शेप से टेस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो सोनिया दीदी हो आप, सोनिया जी, तो सोनिया दीदी ने नंबर और मैसेज भी डाल दिया है, जिनको भी ये चाहिए वो ले सकते हो, और जिनको भी ये मतलब अभी वो तो ग्रुप में आएगा कि हमें ये रिकॉर्डिंग चाहिए वो चाहिए, तो फिर हमें बाद में मैसेज डाल सकते हो, अभी भी डाल सकते हो ये रिकॉर्डिंग चाहिए वगैरह, तो फिर हम शेयर कर देंगे। तो ये था नान खटाई, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। आए आए, अभी बताओ कि नान खटाई कितनी खानी है, मैंने सब बता दिया। हाँ नान खटाई कितनी खानी है, बस मन भरने के लिए जितना खाना है। हाँ, क्योंकि वो हेल्दी में नहीं गिना जाता है नान खटाई। क्योंकि वो मैदे से बनता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, शक्कर पड़ती है। तो जिन्होंने तो कोर्स किया होगा वो समझ ही गए होंगे इंग्रेडिएंट से क्या बढ़ेगा। हाँ, तो हमारे अंदर ये सब चीजें हम खाते रहते हैं ना, फिर हमारे अंदर हमारे दोषास इम्बेलेंस होते रहते हैं। हाँ, फिर हमारे मन के लेवल पे भी गड़बड़ होती है। एक चम्मच शक्कर खाने से हमारा 10 टाइम इम्यून सिस्टम डाउन होता है। तो एक शक तो कभी कभार खाएंगे, महीने में एक बार खाएंगे तो ठीक है। हाँ,
कभी कभी खाएंगे तो ठीक है, हाँ पेट नहीं भरना है उससे कि खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, वो हमारा मील बन जाए तो फिर हालत हो जाएगी। हमें क्या खाना चाहिए, हाँ कितना खाना है, कौन सी चीजें ज्यादा खानी है, वो ना होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में हम अच्छे से समझते हैं। ये रेसिपी का कोर्स नहीं है, रेसिपी तो बोनस है, पर ये हम वात पित्त और कफ को समझने का है। हमारा ये तीनों हर किसी के हर किसी में होते हैं, हाँ दोष तीनों दोषास, और इनका होना भी जरूरी है क्योंकि इनके अलग अलग कार्य है, अलग अलग फंक्शन है, और वो दोषास के इम्बेलेंस होने की वजह से फिर वो कार्य डिस्टर्ब होते हैं, फिर हम बीमार गिरते हैं, हाँ फिर उसको ठीक होने के लिए समय लगता है। क्योंकि वात को ही पकड़ लो, वात का इतने कार्य है हमारे शरीर में, अनगिनत कार्य है, वो डिस्टर्ब हुआ तो फिर पित्त डिस्टर्ब होता है, फिर कफ डिस्टर्ब होता है, तीनों डिस्टर्ब हो गए तो आम बनता है शरीर में, हाँ आम बनता है तो रोग पैदा होते हैं, तो इनको हम बैलेंस कर सकते हैं। किससे, हर्ब से, मेडिसिन से, खान पान से, और कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो तीनों दोषों को इम्बेलेंस करती रहती है, जैसे फ्राई चीजें हैं, जंक फूड है, तो आजकल हम ज्यादा से ज्यादा ये चीजें खा रहे हैं, इसीलिए हर कोई अस्वस्थ है किसी न किसी कारण से, और फिर उसको स्वस्थ होने में समय लगता है। तो हमें इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखनी है तो क्या करना है, सुदर्शन क्रिया और होलिस्टिक कुकिंग कोर्स। तो बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं, मैंने डिटेल्स डाल दिए हैं कि होलिस्टिक कुकिंग के दो बैचेस हैं, 27, 28, 29, हाँ जन्माष्टमी स्पेशल होलिस्टिक कुकिंग कोर्स है। तो खुद को कुछ उपहार देना है, ये त्योहार क्यों आते हैं, उनका क्या महत्व रहता है, तो वो दिनों में एनर्जी हाई रहती है, जैसे कृष्ण का जन्म हुआ, हाँ तो वो दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, हाँ क्यों, क्योंकि वो दिन का एक अलग ही महत्व है। तो अगर हमें अपने खुद को उपहार देना है ना या किसी और को, तो हम ये गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज है ना, आप ये समझेंगे ना, पूरा गीता का ज्ञान है जो भी है ना, गीता में लिख के क्या लिखा गया है, अलग अलग अध्याय का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग महत्व है, अलग अलग चीजें हैं, वो हमारे जीवन के लिए लागू है। जैसे सत्व रजस तमस क्या है, हम 18 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें पूरा लिखा हुआ है, रजस से कौन से गुण की वृद्धि होती है, फिर कैसे बिहेव होता है व्यक्ति का, तो ये कोर्स में भी ऐसे ही कुछ बताया गया है कि हमारे दोषों के इम्बेलेंस से फिर क्या क्या हमारे गुण इम्बेलेंस होते हैं, फिर कैसे बिहेव होता है। हा? कोई भी नहीं चाहता है गुस्सा करना या दुख किसी को दुख पहुंचाना, पर हो जाता है ना, क्यों होता है, क्योंकि हमारे अन्न में गड़बड़ी है। हम अगर रूट काज को समझते हैं, फिर अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, सेवा में लग जाते हैं, तो हमारा रजस और तमस कम हो जाता है, फिर सत्व बढ़ता है। तो इसमें नॉलेज के साथ साथ रेसिपीज है, हा?
तो हम ऐसे बताते रहते हैं कि हम रोज रेसिपी शेयर करते हैं आपको, फिर जो कोर्स वाले होंगे जिन्होंने ऑलरेडी किया है फिर वेरिएशन करते होंगे कि नहीं हम कैसे वेरिएशन करें। तो हम हमारे हाथ में है, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, हम उससे अलग अलग वेरिएशन करके अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें हमें कैसे खानी है, किस प्रकार खानी है, कितने अमाउंट में खानी है, कब खानी है, ये पूरा जिक्र किया गया है। जैसे दिन में भारती जी का भी सेशन हुआ था, उन्होंने एनीमिक कंडीशन के बारे में बताया। तो ये सब जो भी तकलीफें हैं वो हमारे गलत खान पान की वजह से होती रहती है। हमें भूखा नहीं रहना है पर अच्छी अच्छी चीजें खानी है, अच्छे तरीके से पका के खानी है, ठीक है। हाँ, तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है पूरा हमने डिटेल्स डाल दिया है, हमारे नंबर्स भी हैं, अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो भी उनके लिए आसान है, आप स्क्रीनशॉट लेके हमसे बात कर सकते हो तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भी शेयर करेंगे। और रिकॉर्डिंग में थोड़ा समय लगता है, काफी लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, प्रोसेस चालू है, तो रिकॉर्डिंग भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे जितना जल्दी हो सकेगा, ठीक है। कम से कम अभी एक हमारी पार्टिसिपेंट है वो अपनी भाभी को अभी रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में गिफ्ट कर रहे हैं कोर्स, उनको कोर्स करवा रहे हैं, फिर वो उनको 21 तारीख को रजिस्टर करेंगे और 22 तारीख रक्षाबंधन को वो उनको गिफ्ट देंगे कि ये आप मेरा उपहार है मेरी तरफ से। तो कितनी अच्छी सोच है, मुझे अच्छा लगा सुन के, तो हम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसे हम ऐसे भी हम कर सकते हैं, किसी को कोर्स करने की इच्छा रहती है पर ऐसे हम उनके पास इतनी जरूरत के हिसाब से पैसे नहीं रहते हैं, उनकी कंडीशन वैसी है, तो उनको भी हम सेवा के तौर पे हम हमारी हमारे पैसों की शुद्धि उनके कोर्स के लिए भी हम ये डाल सकते हैं। तो ऐसे भी किसी की इच्छा रहेगी ना तो भी हम कर सकते हैं ऐसा, इस तरीके की सेवा भी, ये भी एक है, ये भी एक त्योहार के साथ साथ तोहफा दिया और दूसरा ये तोहफा कि उनके जीवन में भी परिवर्तन, तो जो मन से दिल से वो करना चाहता है और फिर वो पैसों की वजह से उनका अटकाव है तो हम कहीं ना कहीं ऐसे भी मदद कर सकते हैं, पर जेन्यून होना चाहिए, उनको हमसे बात करनी पड़ेगी उस हिसाब से, फिर हम उसके लिए कोई डोनेट करना चाहेगा तो भी हम बात करेंगे, तो सभी तरीके से हम चर्चा करके फिर उनको कोर्स में ला सकते हैं। तो हम सेवा मन से धन से हर तरीके से कर सकते हैं। कहाँ 1200 रुपया किसके जीवन में क्या ला देगा, हम क्या सोच भी नहीं सकते नहीं, और वो देने के बावजूद भी आश्रम में और सेवा वही 1200 की होगी वो तो और ही बात है। हाँ, कितनी शुद्धि पे शुद्धि हो रही है ना हमने एक का जीवन में परिवर्तन करने के साथ साथ आश्रम के बच्चों के इसमें भी परिवर्तन के लिए वो संख्या दी है, तो कर सकते हैं, अच्छा है ना ये भी मौका। साल में ऐसा ठान लिया ना तो एक या दो ऐसे हम कोर्स हम अपनी तरफ से भी सेवा में दे सकते हैं जिनको जरूरत है, बहुत है ऐसा लोग भी, ऐसे नहीं है कि नहीं है, बहुत है और वो बेचारे बोल नहीं सकते हैं कि हमारे पास नहीं, कभी कभी कहीं थ्रू किसी के थ्रू से समझता है तो फिर पता चलता है, तो फिर हम लोग मिलके भी करते हैं ये सेवा,
और मिलके करते हैं ना तो सबको पुण्य मिलता है। अभी देखो 1200 है, चार जन ने हाँ 300-300 निकाले, चारों को मिला। ऐसे और जुड़ के भी दो तीन जन और बढ़ गए तो और कम अमाउंट भी कम हो गई और ज्यादा लोगों को पुण्य मिला। इस तरीके से भी होता है, तो ऐसा है सब। और छोटी छोटी फूल नहीं, फूल की पंखड़ी, ये सेवा में डालना जरूरी है। नहीं तो आए आए थे क्या लेके और जाएंगे क्या लेके, है ना? ये बात तो सही है ना। हाँ, फिर जो बचा के रखा ना वो यहाँ का यहाँ ही धरा रह जाएगा। पीछे वाले ने भी क्या कितनी कब मजा की वो तो भगवान जाने और वो ही जाने। हमारा तो पूरा हो गया, पर अगर हम जीते जी करके जाते हैं तो मजेदार है ये बात। तो कर सकते हो ऐसे भी, लोगों के जीवन में कोर्स देके भी सेवा में रह सकते हो। टाइम तो हो गया है, पर कुछ सवाल लेने हैं, किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो, व्हाट्सएप में मैसेज में, अरे चैट बॉक्स में, नहीं तो फिर हम अभी एंड करेंगे। किसी ने ये माप का बोला था ना, तो एक वाटी जितना आटा है तो पौना वाटी ही शक्कर मिठास लगेगी, और घी भी पौना वाटी या उससे भी ऊपर थोड़ा लगेगा। वो आटे आटे पे कंसिस्टेंसी देखनी है, वो गोला अच्छे से बनना चाहिए। मीठा अपने तरीके से कम ज्यादा कर सकते हो, घी उतना ही लगेगा, हाँ पौने से भी थोड़ा ऊपर, पर फुल से कम, पर एप्रोक्स लग जाएगा 80-85% जितना लग जाएगा। सपोज 100 जितना आटा है तो 80-85% जितना घी लग जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग ही उससे होगी। पर ये फुल होता है, मतलब प्योर बनती है, नहीं तो फिर रूखापन रहेगा, बनेगी नहीं अच्छी, टूट जाएगी, ये सब होता है। इसीलिए ये हैवी है और फिर पचने में भी हैवी है। तो वही बोला ना सोनिया दीदी ने कि कब कितना खाए, तो करे ऐसे कभी ना कभी। और कोई सवाल? मेरे पास तो ना कोई भी मटेरियल का मेजरमेंट ही नहीं रहता है, मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बताना पड़ता है इतना माप इतना माप। मैंने कभी मेजरमेंट से खाना ही नहीं बनाया, और मैं जब भी सीखी भी हूं ना तो मुझे समझ में नहीं आता था इतना मेजरमेंट पे इन लोग क्यों जाते हैं। पर जो सिखाने वाले क्लासेस में रहता है उनको बताना ही पड़ता है। मेरा मैंने मेरी लाइफ में कभी मेजरमेंट से खाना नहीं बना। पर परफेक्ट ही बनता था, क्योंकि वो सीखा ही वैसे है मैंने, और लगा ही जरूरत नहीं पड़ी कि इतना ही चाहिए या इतना ही, एक समझ आ जाती थी कि इतने आटे में इतना नमक पड़ेगा, इतना तेल पड़ेगा या इतना ये पड़ेगा, ऐसे। तो वो जजमेंट था पूरा, और शौक भी था तो लगा भी नहीं कि मेजरमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं सोनिया जी, और कुछ बात करनी है? ज्यादातर तो नहीं बोलेंगे। नहीं हो गया ना, एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कल।